हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक फ्रेश नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं घड़ी कैंट में, ये देखो यहाँ पे अपनी महंगी महंगी बाइक्स, पीछे रजत भाई ट्रैवल बग, देख रहे हो भाई हेलमेट, भाई महंगे लोग, मतलब इन लोगों ने अपना हेलमेट ही बनवा दिया भाई। और देखो वहाँ पे अपनी हिमालयन, यहाँ पे जीटी, यहाँ पे है शिवम भाई। तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं कैंपिंग के लिए, जा रहे हैं हम भद्राज। तो भद्राज में कैंपिंग करना ना बचपन से एक सपना रहा है एंड वो फाइनली आज पूरा होने वाला है, क्योंकि भाई वो लोकेशन इतनी एक्सोटिक है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल अभी निकलते हैं फटाफट से और आपको दिखाएंगे आज क्या क्या फन होने वाला है, मिलते हैं आपसे हम आगे। तो जी यहाँ पे रख लिए सारा सामान हमने, मतलब बहुत सारा सामान हो चुका है, काफी मजा आ जाएगा। अभी फाइनली हम पहुंचे थे भद्राज से थोड़ा सा पहले, हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़े से ड्रोन शॉट्स ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे अपना रिमोट है एंड वहाँ पे रखा है ड्रोन, तो देखो धीरे धीरे अभी जीपीएस सिग्नल कैच करेगा और उसके बाद हम इसको उड़ाएंगे। तो यहाँ पे ये सब तैयार है भाई, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, एक्साइटमेंट का लेवल है। ऐसे भाई हवा भी बहुत ऐसे चल रही है, तो थोड़ा सा रिस्क है, बाकी कोई नहीं, ज्यादा दूर उड़ाएंगे ऊपर। अरे अरे नहीं भाई नहीं, ड्रोन उड़ाने के बाद थोड़ा सा हमने सोचा यहाँ पे खा ले और थोड़ा सा नहा ले, बाकी फिलहाल फटाफट से यहाँ से खा के निकलते हैं। मौसम हो रहा है थोड़ा सा डामाडोल, तो कुछ नहीं पता भाई ऊपर जाके क्या मौसम हो, बट हवा तो बहुत तेज होने वाली है, तो फिलहाल खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके अपनी लोकेशन पे, हमारी लोकेशन सीक्रेट है, तो यहाँ से चढ़ के आएगी, अभी आप देखते रहो लोकेशन। बाकी यहाँ पे अपने बाइक्स खड़ी कर दी है, लो मेरे से ले लो अगर कुछ चाहिए तो। तो यहाँ पे भाई सारे लौंडे ना मतलब फुल पैक हो चुके हैं और सबके हाथ में बहुत भारी भारी सामान है। मेरे हाथ में 10 लीटर पानी है और ये देखो भाई, ये देखो एक भाई हमारा ऊपर पहुंच चुका है, लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा। और उसके बाद जो आपको नज़ारे दिखेंगे ना, वो आपने शायद कभी ना देखे हो भद्राज के पास में, एंड ये लोकेशन बहुत कम लोग ही मतलब रीच आउट करवाते हैं। तो आप देख सकते हो ये ट्रैक भी शायद किसी ने ना देखा हो और कभी देख भी नहीं पाएगा कोई, क्योंकि ये एक हिडन लोकेशन है गाइस, हिडन लोकेशन भाई। ये लोकेशन चेक करें, मतलब नीचे हमारे चील उड़ रही है नीचे, हम कितनी हाइट पे हैं हमें खुद नहीं पता, मतलब नीचे पूरा ये प्रेमनगर साइड दिख रही है। और भाई यहाँ से ना जरा सा भी पैर खिसका तो काम 25 है भाई, क्या लोकेशन है। एंड जो हमारी लोकेशन होने वाली है ना वो और ज़बरदस्त है, एंड उसके लिए थोड़ा और ट्रैक करके जंगल में जाना है। बाकी ये देखो ओ भयंकर भाई है ना लोकेशन। सो गाइस हम देखो इतनी ऊंचाई पे कि यहाँ वो पीछे वल्चर बैठे हुए हैं, और ये देखो भाई इतने बड़े हैं ना ये भाई, इसने भाई को उठा के ना ले जा ले, वो भी कितने सारे आ रहे हैं वहां से, वो देख भाई ये आज इनको डिनर ना मिल जाएगा। तो जी फाइनली अभी हम पहुंच चुके थे अपनी लोकेशन पे, जो मैंने आपको बताया था ना भद्राज के पास है, भद्राज से थोड़ा सा अलग रास्ता है, इसका ट्रैक है लगभग 1-1.5 किलोमीटर का। और ये सीन चेक करें आप, मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा पॉन्ड है, बल्कि अभी पानी नहीं क्योंकि बारिश ही नहीं हुई है, नहीं तो अभी तो मिट्टी मिट्टी वाला पानी हो रहा है, वैसे यहाँ पे बढ़िया पानी भर जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है। बाकी ये देखो पूरा भुखियाल है एंड वहाँ बैठने का बढ़िया है, एंड यहाँ पे ना मानसून में इतना बढ़िया रहेगा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और ये जो लोकेशन है ना, ये देखो हिडन से मेरा मतलब है कि काफ़ी लोग हैं जो इन प्लेसेस के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी प्लेसेस पे आते भी हो कभी तो प्लीज़ गंदगी वगैरह मत करना, ये बहुत ही साफ सुथरी है अभी तक तो। बाकी यहाँ पे लगाएंगे हम अपना कैंप एंड वहाँ दिख रहा है हमें भद्राज, मतलब बहुत दूर है भद्राज मंदिर। बाकी यहाँ पे लगाते हैं अपना टेंट, यहाँ पे होगी बॉनफायर और फिर काफी मजा आएगा, सुबह जो सनराइज दिखने वाला है ना यहाँ से वो होने वाला नेक्स्ट लेवल।
आई होप आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे। धीरे धीरे हम सीख रहे हैं ड्रोन उड़ाना, एंड आज हमने काफ़ी फीचर सीख लिए कि कैसे ड्रोन को ट्रैक करना और कैसे कैसे सीखना है मतलब। और बैटरी लो हो गई थी भाई इसमें, तो अच्छा है कि फीचर है कि रिटर्न टू होम अपने आप घर आ जाता है, बट उसमें ना बहुत टाइम लगता है तो हमने फिर मैनुअली उतार दिया। बाकी भी फिलहाल यहाँ पे कैंपिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है, लकड़ियाँ आ चुकी है, खाने पीने के लिए बनाएंगे, संदीप भाई गए हैं और लकड़ियाँ ढूंढने। और कल सुबह जो नज़ारे होंगे ना, कल सुबह जो सनराइज़ होगा भाई, वो होने वाला है नेक्स्ट लेवल, तो उसका वेट करना। और मिलेंगे अभी आपसे कुकिंग के टाइम पे। तो जी यहाँ पे बन रहे हमारे स्नैक्स, एंड यहाँ पे सब बैठ चुके हैं खाने वाले लोग। एंड यहाँ देखो संदीप भाई क्या हाल है। तो जी यहाँ पे बन चुकी है न्यूट्री और यहाँ पे बन, एंड सब लोगों ने खा लिया। तो भाई जी कैसा था टेस्ट फिर? हाँ जी फूड ब्लॉगर पास हो गए जी, मैं बता रहा था। जी यहाँ बॉन फायर के साथ मतलब क्या ही बताएं, क्या टेस्ट आ रहा है जी। यहाँ पे बन रहा है अपना पास्ता, और अभी फिलहाल संदीप भाई और दो तीन और गए हैं लकड़ी लेने के लिए, बाकी फिलहाल मैं यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ पास्ता। तो अभी फिलहाल पास्ता खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा डांस वगैरह करेंगे, मस्ती करेंगे। खूब मौसम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा ठंडा, पर लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो अभी इंजॉय करते हैं इसे और मिलते हैं आपसे फिर आगे। देखो भाई सब लौंडे बैठ चुके हैं यहाँ पे और पास्ता खा रहे हैं, मैं एक ही उसमें क्योंकि प्लेट्स नहीं हम पे भाई, उधर का बढ़ जा थोड़ा। तो यार अभी हमने खाना वगैरह खा लिया था और अभी हम टेंट के अंदर आ चुके हैं। झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं खिलाया इन्होंने भयंकर। तो भाई हमने ना खूब इंजॉय किया और हमने आग बुझा दी क्योंकि ना बहुत तेज हवा चल रही थी और अंगारे चल रहे थे, और अभी टेंट के अंदर आ गए और देखो जरा एक बार भाई हमारा टेंट कैसे फटफट आ रहा है हवा से। इतनी तेज हवा चल रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद बाहर बारिश हो रही हो, बट कुछ कह नहीं सकते। नहीं हो रही ना, वो हवा की आवाज है, बट हवा बहुत तेज है। सुबह चले तो अब सुबह उठेंगे और सुबह देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, अभी हमारी हिम्मत नहीं है। मिलते हैं आपसे सुबह, गुड नाइट, बाय बाय। सुबह हो चुकी है फाइनली, अभी वेट कर रहे हैं हम सनराइज का। देखो थोड़ा थोड़ा वहाँ से ना सन आते हुए दिख रहा है, बाकी हम सोच रहे थे थोड़े से गोल्डन आवर्स कैप्चर कर ले, बट इतने खास तो नहीं आए, बट जो पहाड़ के नज़ारे हैं ना यार वो बहुत सुंदर है यहाँ से। मतलब अभी हम इतनी ज़्यादा हाइट पे है कि शायद हमें खुद को नहीं पता होगा, बट यहाँ से देहरादून देख के ना हम महसूस कर सकते हैं कि हम काफ़ी ऊँचाई पर फिलहाल, क्योंकि यहाँ से हमें सीता भद्रराज मंदिर भी दिख रहा है और यहाँ से हम वेट कर रहे हैं सनराइज का। तो परफेक्ट लोकेशन है कैंपिंग के लिए। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ये लोकेशन कहाँ है, तो यार ये ना बहुत जंगल में जाके है, शायद मैं आपको रास्ता बताऊंगा आप भटक जाओगे, इसलिए मैं मिस गाइड नहीं करना चाहता हूँ। बाकी जो लोकेशन है ना दिल जीत लिया इस लोकेशन ने, हम बार बार आएंगे यहाँ पे और मानसून में भी आएंगे, और काफ़ी सुंदर लोकेशन है। बाकी वेट करते हैं अभी सनराइज़ का और उसके बाद निकलेंगे हम वापस अपने।